दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ गया आपकी क्लास में हिंदी को लेकर के। दो दिनों के विलंब के लिए थोड़ा खेद है मुझे, किसी कारण से मैं अगला पिछला वीडियो पिछले दिन नहीं बना सका। आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित जो उनका आठवां पद है उद्धव मन न भेद सुबीस, इसका सस्वर वाचन करेंगे और फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। सस्वर वाचन मतलब लय सहित इसको हम गाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों की भी क्लास में बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं आपको सारे पद गा करके सुनाऊँ। क्लास में तो शायद आने वाले समय में आप सुनेंगे, लेकिन आज मैं इसको यहीं से इसी वीडियो से शुरू करता हूँ इसको गाने का। पहले ध्यान दीजिए, सूरदास जी द्वारा रचित जो पद शीर्षक आपका है गोपियों और उद्धव का जो संवाद है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। आपका आठवां छंद है, मैं एक बार छंद को धीरे से पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर इसका गायन करूँगा। ध्यान से सुनेंगे। उधो मन न भये दसुईस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस, इंद्री शिथिल भई केशो बिन ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन स्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। पहले इसके एक बार हम लोग शब्दार्थ को इसकी व्याख्या को ध्यान से समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन न भये दस बीस। मन कोई दस बीस नहीं होता, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वो कितना है? एक। मन न भये दस बीस, दस बीस मन नहीं होता, मन एक ही होता है। आगे कहते हैं एक हुतो, हुतो माने होता है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ श्याम के साथ में चला गया। एक ही मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया, वही हम दिल दे चुके सनम। तो एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक था जो श्याम के संग में चला गया। अब को अवराधे ईश, अब दूसरा मन है ही नहीं, तो तुम्हारे इस योग की ईश्वर की जो निर्गुण ईश्वर की उपासना का तुम हमें उपदेश कर रहे हो, इसको कौन अवराधे यानी आराधना करे, इसकी उपासना इसकी आराधना या इस निर्गुण ब्रह्म की पूजा कौन करे, इसकी भक्ति कौन करे? क्योंकि मन से भक्ति की जाती है और हमारे पास एक ही मन था, वो कृष्ण को दे दिया, दूसरा मन नहीं है, तो हम भक्ति निर्गुण ब्रह्म की भक्ति कैसे करेंगे? क्या उद्धव मन न भये दस बीस, हे उद्धव जी मन दस बीस नहीं होता, एक हो तो एक ही होता है, हमारे पास भी एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा चला गया, हमने अपना मन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, तो को अवराधे इस, अब ये आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करेगा? गोपियां बताती हैं कि हमारी दशा कैसी हो गई है कृष्ण के वियोग में, इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, इंद्रिय देखिए हमारे शरीर में कुल 11 इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय का अर्थ हम समझ सकते हैं एक तरह से अंग से ही अर्थ ले लीजिए, 11 अंग कुल प्रमुख होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में कुछ उभय होते हैं अर्थात दोनों में गिने जाते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिय में आप जानते हो आपकी आँख नाक कान जीव और त्वचा, जिनसे हम अनुभव कर सकते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, कान से सुनते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करके अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर आती है हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारे जो 5 कर्मेंद्रियाँ वो क्या हैं? हमारे 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, यही हमारा जो कंठ है जिससे हम बोल रहे हैं, यह कर्मेंद्रिय है। इसके बाद उत्सर्जन अंग जो हमारे होते हैं, तो यह भी, तो 2 उधर 2 हाथ पैर 4 हुए, 1 हमारा कंठ जिससे हम बोलते हैं, ये 5 कर्मेंद्रिय। इसके पश्चात एक होता है मन। मन क्या है? हमारे सोचने की जो क्षमता है इसको मन कहते हैं। मन कोई हृदय नहीं कह सकते हैं, प्रायः लोग हृदय को ही मन मान लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हृदय को शरीर में रक्त संचार करता, सोचने विचारने का तो इसका मैटर ही नहीं है। यहाँ बात क्या है, मन जो हम सोचते हैं, भाव करने का जो हमारा विचारों का संग्रह होता है वही मन है। तो वो कहते हैं एक ही मन था जिसके द्वारा हम जो कृष्ण में समर्पित करते हैं, अपने विचार ही समर्पित थे कृष्ण को, अब कृष्ण के अलावा हम किसी दूसरे को ले आए अपने मन में बैठा हुए, किसी दूसरे के बारे में सोचें ये नहीं होगा।
गोपियां कहते इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, शिथिल हो जाने का मतलब शांत हो जाना, ध्यान दीजिएगा, शिथिल का मतलब शांत होना, शांत हो गई है हमारे हाथ पैर शांत हो गए हैं, ना कुछ करने का मन करता है, ना उठने बैठने का मन करता, सोने जागने का मन नहीं, खाने पीने का मन नहीं, सारे अंग सब शांत हो गए और मन तो अत्यंत दुखी अभी हो गए। ज्यों किस तरह से शरीर शांत हुआ है, थका हुआ है, शांत हो गया, शिथिल हुआ है, ज्यों देही बिनु शीश, जैसे अगर ये सिर कट जाए तो देही अर्थात शरीर, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग देह कहते हैं ना, वैसे देही का अर्थ जो है आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ हम लोग देही का अर्थ केवल केवल शरीर बने, कहते ज्यों देही बिनु शीश, जैसे सिर के बिना शरीर शांत हो जाए। आप देखिए सिर कट जाता है तो इंसान का शरीर मरने मृतक की अवस्था में आ जाता है, मृत हो जाता है, शरीर शांत पड़ जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हमारी सारी इंद्रियां केशव अर्थात कृष्ण के बिना। देखिए एक राक्षस था जो घोड़े के रूप में रहता था, उसका नाम क्या था, केसी। उस दानव का नाम जो कंस का एक सेवक था, केसी नाम का एक राक्षस था। इस केसी राक्षस का वध करने के कारण, इसका मर्दन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण केशव कहे जाते हैं। तो कहती है हमारी इंद्रियां केशव के बिना, कृष्ण के बिना उसी तरह से शांत हो गई हैं, जैसे ज्यों जिस प्रकार से देही बिनु शीश, जैसे बिनु शीश सिर के बिना देही अर्थात शरीर शांत हो जाता है, ठीक है। फिर कहती है आशा लागे रहती, फिर भी हमें ये आशा लगी रहती है, उम्मीद लगी हुई है, ये सोच है हमारे मन में कि शायद श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। और तन श्वासा, इसीलिए हमारे शरीर में अभी भी प्राण है, श्वास जो है अभी बचा हुआ, श्वासा का अर्थ है श्वास। कहते हैं हमें अभी भी ये आशा है, ये उम्मीद है कि शायद कृष्ण वापस आएंगे, इसीलिए हमारे शरीर में हमारे प्राण हमारी सांसें चल रही हैं, अभी हमारी मृत्यु इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हमें यह उम्मीद है कि शायद अभी कृष्ण भगवान मथुरा से लौटेंगे फिर गोकुल आएंगे। और जीवई कोटि बरीस, कोटि बरीस माने वर्ष सालों तक, कहती है हम लोग कोटि का अर्थ है करोड़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोटि का काम कर रहे हैं करोड़ों, कहती है गोपियां आशा लाग रहत तन श्वासा जीवई कोटि बरीस, हमारे शरीर में यही उम्मीद जो है कृष्ण की आने की, इसीलिए तन श्वासा शरीर में श्वास चल रही है, प्राण अभी भी रुके हुए हैं, और इसी आशा के सहारे, इसी उम्मीद के बल पर जीवनी कोटि बरीस हम लोग करोड़ों वर्षों तक जी सकते हैं। अगर कृष्ण का इंतजार करना पड़े करोड़ों साल तो हम करेंगे, केवल कृष्ण से मिलने के लिए, इतना प्रेम है कृष्ण से। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवनी कोटि बरीस, श्री कृष्ण से अगर मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी हो तो हम करोड़ों साल तक इसी तरह इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, जीवित रहेंगे, मृत्यु नहीं होगी क्योंकि आशा लगी रहेगी कृष्ण के आने की। कहते तुम तो, उद्धव से कह रही है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, देखिए कहते हे उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, सखा माने मित्र, कहते हे उद्धव तुम तो कृष्ण के मित्र हो, जो सकल योग के ईश, जो कृष्ण समस्त योग के स्वामी है, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। आप देखिए भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को ज्ञान योग कर्म योग सांख्य योग और मोक्ष संन्यास योग, सांख्य योग नहीं, ज्ञान योग कर्म योग संन्यास योग और मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा दी है। तो कहते हैं सकल योग के तुम तो उन कृष्ण के मित्र हो जो समस्त योग के स्वामी हैं, फिर तुम किसी और ईश्वर की उपासना क्यों करते हो, कृष्ण में मन लगाए हो ना। फिर कहते हैं सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हे उद्धव नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र, नंदन माने होता पुत्र, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारे और नहीं जगदीश, हमारा कोई और ईश्वर नहीं हो सकता, हमारे ईश्वर कौन है, एकमात्र श्री कृष्ण भगवान ही है। कहते हैं उद्धव मन न खेत स्वीस, हे उद्धव जी मन जो है वो दस बीस नहीं होता, मन एक ही होता है, एक हो तो एक ही मन था हमारे पास, सो गयो श्याम, वो कृष्ण के साथ चला गया।
को अवराधे, इसलिए तुम्हारी इस निर्गुण ईश्वर की उपासना कौन करे, कौन आराधना करेगा। कहते इंद्रिय शिथिल भई केशव, हमारी सारी इंद्रियां सारे अंग केशव के बिना, कृष्ण के बिना वियोग में शिथिल हो गई, शांत हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, जैसे सिर के बिना शरीर शांत हो जाता है, जैसे सिर कट जाने पर शरीर शांत हो जाए, ऐसे ही हमारा शरीर भी क्या है, हमारी इंद्रियां शांत हो गई है। आशा लागी रहती तन स्वासा, लेकिन कृष्ण के आने की उम्मीद है, हमें आशा लगी है, इसीलिए हमारे शरीर में सांस चल रही है, अभी भी प्राण रुके हुए हैं, ठीक है। जीवन ही कोटि भरीस, और इसी आशा के सहारे हम लोग करोड़ों साल तक जीवित रह जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी तुम तो श्याम सुंदर के, सामलेश्वर होने भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के इस जो संपूर्ण योग के, सकल माने संपूर्ण, जो संपूर्ण योग के स्वामी है, अकेले मालिक योगेश्वर है, फिर तुम किसी और ईश्वर की उपासना की बात क्यों कहते हो। हम तो उन्हीं योगेश्वर जिनके अधीन समस्त योग है, उन्हीं से जब हम प्रिंसिपल का ध्यान कर रहे हैं, प्रिंसिपल से पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर किसी और प्रिंसिपल से जब हम पढ़ ही रहे हैं, तो फिर किसी और टीचर की बात क्यों करते हो, ठीक है। या फिर जब जो राष्ट्रपति तक से हमारी बात हो रही है, तो फिर हम किसी नेता के पास दूसरे क्यों जाए, ऐसी दशा है कि मतलब जो समस्त योग का स्वामी है, तो उसी की भक्ति कर ले रहे, फिर तीसरे के पास क्यों जाए। तो कहते हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के इस जो संपूर्ण योग के ईश्वर योगेश्वर, फिर हमें किसी और की उपासना के लिए क्यों कहते हो। सूर हमारे नंद नंदन में और नहीं जल्दी, सूरदास कहते हैं गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं उद्धव मन न भय दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे दीस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागि रहति तन स्वासा जीवन ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए आज मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसका स्पष्ट रूप में, कहते हैं हे उद्धव मन दस बीस नहीं होता, मन तो एक ही होता है, हमारे पास भी एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अब इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा, ठीक है। कहते हैं हमारी सारी इंद्रियां उसी प्रकार से शांत हो गई हैं जैसे सिर के कट जाने पर शरीर शांत हो जाता है, ठीक है। फिर कहती हैं फिर भी हमें यह आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, इसीलिए हमारी सांस चल रही है, अभी भी हमारे शरीर में प्राण है, और इसी उम्मीद के सहारे हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे। हे उद्धव जी आप तो उन कृष्ण के मित्र हैं जो संपूर्ण योग के स्वामी हैं, फिर आप हमें ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हो किसी और ईश्वर की उपासना। हे उद्धव नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं हो सकता, हम केवल उन्हीं की ही भक्ति करेंगे। ध्यान दीजिए इस तरह से ये पद आपका भावार्थ इसका पूरा होता है, ब्रज भाषा में ये पदों में लिखा गया है, आपको बताया दृष्टांत अलंकार जो देही बिनुषी, जिस प्रकार शरीर है तो जिस प्रकार उदाहरण दिया गया इसके दृष्टांत है। हाँ जैसा कि मैंने कहा मैं गायन करूँगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कहते हैं उद्धव मन न गए दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, उद्धव मन न गए दस बीस, इंद्रिय शिथिल कि
आशा लागी रहती तन स्वासा, आशा लागी रहती तन स्वासा, जीवनी कोटि भरीश बूझो मन न भई दस बीस। अगली दो पंक्ति मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग गा करके देखिए, मैंने बता दी है। फिलहाल जो भी समस्या होगी कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिए, और आगे फिर हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।